विश्वचषक स्पर्धेमध्ये आज भारत आणि ऑस्ट्रेलियाचा सामना पार पडत आहे। संपूर्ण देशवासियांचं लक्ष या सामन्याकडे लागलेलं आहे। मात्र आपल्या सोबत असा एक क्रिकेट प्रेमी आहे की त्याने तब्बल 350 किलोमीटर या विश्वचषक सामन्याची जाहिरात केलेली आहे आणि ती सुद्धा सायकलवरून। आपण दृश्यांमध्ये जी सायकल बघत आहात ती हीच सायकल आहे। या सायकलीवर रोहित शर्माचा फोटो आणि पूर्ण भारतीय संघाचा खेळाडूंचा फोटो लावलेला आहे। सायकल सजवण्यात आली आहे आणि त्या सायकलीवर विश्वचषक स्पर्धेचा फायनल सामन्याचा जी वेळ आहे ती वेळ त्या ठिकाणी दर्शवण्यात आलेली आहे। तब्बल 350 किलोमीटर या क्रिकेट प्रेमीने हा प्रवास करून ही जनजागृती केली आहे। तो क्रिकेट प्रेमी आपल्या सोबत आहे, काय सांगाल, काय नाव तुमचं? मैं हूँ नरेंद्र प्रभाकर निकुम। डेढ़ महीनों से मैं ये प्रचार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि 2011 के वर्ल्ड कप में भारत श्रीलंका के बीच में जो मैच हुआ था, मैं एक गरीब परिवार से होने के कारण मेरे पास पैसे नहीं थे, बिना टिकट मैं मुंबई पहुंच गया। लेकिन मेरा सपना था कि इंडिया वर्ल्ड कप जीते। हम अंदर नहीं जा सके तो क्या हुआ, बाहर रहकर भी हम इंडियन क्रिकेट टीम को सपोर्ट करेंगे। उस समय मेरा पोशाक सफ़ेद ड्रेस था और पूरे शर्ट पैंट के ऊपर सारे भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की तस्वीरें थी और मैं एक जगह पर बैठ कर जय श्री राम भगवान को याद कर रहा था। सारे देश विदेश के लोगों ने मैच को एंजॉय किया और मैं भगवान को याद कर रहा था कि हे प्रभु ना ही चाहिए, और भगवान ने ये वर्ल्ड कप जितवा दिया। तब से मेरे अंदर क्रिकेट के प्रति बहुत ही ज़बरदस्त प्यार इमर्ज हुआ। लेकिन जलगांव शहर ये मेरी माँ की जन्मभूमि होने के कारण और संसार के अंदर भारत माँ का गायन होने के कारण इस वर्ल्ड कप के अंदर मैंने सोचा कि क्यों ना जलगांव शहर का जलवा हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि हर देश को दिखाया जाए। तो आप ये जनजागृत कर रहे थे, इसके पीछे की नियम का उद्देश्य क्या है? इसके पीछे का उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से हम क्रिकेट मैच कोई भी देश का हो एक मनोरंजन समझकर एंजॉय करते हैं, वैसे संसार के अंदर हर इंसान सुख दुख के रूप में ज़िंदगी जीता है। अगर हर इंसान अपने जीवन को एक क्रिकेट की तरह खेले तो कितनी भी बड़ी बड़ी समस्याएँ क्यों ना आ जाए पहाड़ जैसी, इसको मनोरंजन समझ कर वो पार कर देगा। कहाँ कहाँ आपने इन दिनों में अभी प्रचार किया हुआ है, कितना किलोमीटर तक आप घूमे हैं साइकिल पर? वैसे तो जलगांव शहर में सबसे ज़्यादा प्रचार किया है। कुछ काम से बाहर गांव जाना हुआ तो मैं बाहर गांव चला जाता हूं, लेकिन जलगांव शहर में हर गांव, हर शहर, हर राज्य, कोने कोने का जो भी हमारे गांव शहर है सबका प्यार मैंने इस जलगांव शहर में इमर्ज किया। जिस प्रकार से मंदिर में तस्वीर और मूर्ति में भगवान नहीं होता है लेकिन भक्ति के शक्ति के बल पर हर भक्त पृथ्वी के ऊपर चला जाता है और महसूस करता है कि भगवान मेरे पास ही है, वैसे देश विदेश में इंडिया की टीम कहाँ भी खेले, कोई भी देश के साथ खेले, मैं ऐसा अनुभव करता हूँ कि मैं संसार में कोई भी गांव में हूँ लेकिन वर्तमान समय मैं इंडियन टीम की मैच देख रहा हूँ ग्राउंड के अंदर। अभी आप अभी तक वर्ल्ड कप के क्रिकेट मैच में अभी तक 3 विकेट गिरी हुई है, और क्या लगता है आपको भारत जीतेंगे मैच? भारत तो अवश्य मैच जीत सकती है लेकिन उसके पहले 300 तक भी अगर हमने टारगेट रखा ऑस्ट्रेलिया के सामने तो हमारे गेंदबाज बहुत ही अच्छी भूमिका निभा रहे हैं और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो गेंदबाजी फील्डिंग हुई है वो काफ़ी सराहना योग्य है और निश्चित रूप से हम ये वर्ल्ड कप जीतेगा क्योंकि देश विदेश के भारतीय क्रिकेट प्रेमी जो है इंडियन टीम से प्यार करने वाले, क्योंकि एक कवि ने कहा है दुआओं से जो जीता है वह बेफिक्र है, दुआ के बिना हर दवा बेअसर है। आपल्या सोबत होते हे क्रिकेट प्रेमी, त्यांचं नाव नरेंद्र आहे। तब्बल 350 किलोमीटरपर्यंत त्यांनी सायकलीवर प्रवास करून या अंतिम सामन्याबाबतची जनजागृती केली होती आणि त्यानंतर त्यांनी प्रत्येक घराघरात हा संदेश पोहोचवला। प्रत्येकाच्या आयुष्यामध्ये क्रिकेटप्रमाणे जे संकट असतात त्यामुळे आपण त्या क्रिकेट पद्धतीनेच त्या प्रत्येक संकटाला सामोरं गेलं पाहिजे असा संदेश त्यांनी या ठिकाणी दिलेला आहे। अशा ह्या क्रिकेट प्रेमीचं जळगाव जिल्ह्यातच नव्हे तर संपूर्ण राज्यामध्ये चर्चेचा विषय बनला आहे। किशोर पाटील, TV9 मराठी, जळगाव। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी। काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।